आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि जो बेसन का बना हुआ पनीर होता है उसको इस्तेमाल करते हुए आप और तरह के खाने कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम बेसन का बना हुआ पनीर। पनीर को हम एक साफ कपड़े से सुखा लेंगे और इसे अपने मन चाहे आकार में काट लीजिए। इन टुकड़ों को हम तेल में फ्राई कर लेंगे। जब पनीर एक तरफ से फ्राई हो जाए तो उसको पलटकर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। सारे पनीर के टुकड़ों को ऐसे ही फ्राई कर एक प्लेट में निकाल लीजिए। चलिए अब चिली गार्लिक सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें 2 हरे प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, 1/2 कप सोया सॉस का, 2 बड़े चम्मच विनेगर, 1/2 कप चीनी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 बड़े चम्मच तिल के तेल के। इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में थोड़ा क्रंच लाने के लिए मैंने भुनी हुई मूंगफलियों का इस्तेमाल किया है। 2 बड़े चम्मच मूंगफलियों को थोड़ा सा पीस लिया है। सर्व करते हुए इसके ऊपर जो हमने घर पे चिली गार्लिक सॉस बनाई है वो डाल लीजिए और पिसी हुई रोस्टेड मूंगफली के साथ इसको गार्निश कर लीजिए। और अब ये रेसिपी तैयार है। आप इस पनीर को प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं या चाहे तो फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।